किसी ने क्या खूब कहा है कि सपनों से प्यार करने वालों को अक्सर रात को नींद नहीं आती। मेरे दोस्त, जवानी में इश्क होना तो लाजमी है, पर वह इश्क अगर बुक से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं, कैरियर को सफल बनाने का इनाम मिलता है। और जैसा कि हर सफल इंसान एक ही बात कहता है कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ये रात ही आपको आगे ले जाएंगी, इन रातों की मेहनत आपको कलेक्टर बनाएगी, क्योंकि मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को खोल सकती है। रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। रात की पढ़ाई को सबसे अच्छी पढ़ाई माना जाता है, क्योंकि तब किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए जागते हैं। सब कुछ नहीं मिलता विरासत में, कई रातें बितानी पड़ती हैं इन किताबों के साथ, तब जाके एक टॉपर, एक सक्सेसफुल और एक सफल इंसान का जन्म होता है। किसने कहा है कि रात भर जागने के लिए आशिक होना जरूरी है? अरे, देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जगते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जगते हैं। तो अगर आज तुम सो गए तो कल नहीं सो पाओगे। याद रखना, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, क्योंकि दर्द में जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। कभी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि ये सोचना कि मैं अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जब आप अपने आप को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। इसलिए खुद को इस तरह तराशिए कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है, जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना बेकार है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। और आखिर में बस एक ही बात बोलूंगा, जब भी मोटिवेशन कम होने लगे, पढ़ाई में मन ना लगे, तब बस अपने माँ बाप की तरफ देखना और पढ़ना शुरू कर देना।